भगवान के पास मन नहीं है, इसलिए भगवान को क्या देना चाहिए? हम क्या देते हैं भगवान को? धन देते हैं, तन देते हैं, तन तो भगवान बनाते हैं, इसलिए भगवान को इस तन की भी कोई कमी नहीं है। पंचतत्व भगवान का है, भगवान मन तन बनाते हैं, भगवान को तन की भी कोई बहुत आवश्यकता नहीं। धन के लिए कहें तो लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा करती है, इसलिए धन की भी परमात्मा को कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के पास मन नहीं है, भगवान को क्या देना चाहिए? मन देना। हम धन क्यों देते हैं भगवान को? दूसरा कारण है। हम तन क्यों देते हैं भगवान को? उसका भी दूसरा कारण है। भगवान के मंदिर में जा करके हम परिक्रमा करते हैं, सेवा करते हैं, इससे हमारा शरीर पवित्र होता है। हम दान वहाँ पर धन का दान करते हैं तो हमारा धन पवित्र होता है। भगवान को जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है अपने धन को पवित्र करने की। इसलिए हमारे यहाँ नियम है कि अपना धन दान करो, भगवान को जरूरत नहीं। भगवान को देना है तो क्या देना चाहिए? मन देना चाहिए। और आप लोग क्या करते हो? उल्टा करते हो। भगवान को धन दे देते हो, भगवान को अन्न दे देते हो, और मन आप कहाँ देते हो? अपने परिवार में अपना मन देते हो, और उसका दुष्परिणाम क्या होता है? बाद में रोने के अलावा और आपके पास कुछ भी नहीं रहता। मन भगवान को दे करके देखो, आंसू वहां भी आएंगे आपके, लेकिन वो आंसू आनंद के आंसू आएंगे। रोई मीराबाई भी है, रोई चैतन्य महाप्रभु भी हैं, रोई सभी महापुरुष हैं, और एक आप भी रोते हो। दोनों के रोने में क्या अंतर है? आप रो रो करके अपने आप को बुरा हाल कर देते हो, और वो रो रो करके अपने आप को आनंद में ले जाते हैं। ये अंतर। आप दुख में रोना चाहते हो कि भगवान के आनंद में रोना चाहते हो? भगवान के आनंद में रहना रोना चाहते हो। तो मन किसको दो? भगवान किसको देना चाहिए? यहां मन आप देते हो तो यहां सिवाय दुख के आंसू और कुछ भी नहीं मिलता। मैं आपसे एक बात कहूं, आपको सबसे ज्यादा दुख कौन देता है पता है आपको? आप जिसको सबसे ज्यादा हृदय से चाहते हो वही सबसे ज्यादा दुख आपको देता है। जिसको आप अपना समझते हो कि हमारा है ये, उसको आप वही सबसे ज्यादा दुख आपको देता है। वरना पराया तो आप भीड़ में जा रहे हो, किसी का धक्का आपको लग जाए आपसे वो सॉरी कहेगा कि नहीं? पराया व्यक्ति क्षमा मांगता है आपसे, लेकिन अपने व्यक्ति आपको घाव देते हैं। क्या देते हैं? इसलिए किसी ने कहा है, दिल लगाने से अच्छा है पौधे लगाओ। दिल लगाने से अच्छा है क्या लगाओ? पौधे लगाओ। वो घाव नहीं छांव देंगे। क्या देंगे? दिल लगाने से अच्छा है क्या लगाओ? पौधे लगाओ। वो घाव नहीं छांव देंगे। ये अपने तो हमें घाव देते हैं, इसे इत्तेफाक कहें या दर्द भरी हकीकत। इसे इत्तेफाक कहें या दर्द भरी हकीकत, आंखें जब भी नम हुई है वजह कोई अपना ही था। आपको अपने ही आपको रुलाते हैं। इसलिए मन मत दो भगवान, मन मत दो दुनिया, भगवान को मन दो। दुनिया में आपके मन की कीमत दो कौड़ी की भी नहीं है। और हम गलती करते हैं, मन वही देते हैं जहां किसकी कोई कीमत नहीं। भगवान को दो ना, भगवान उस मन को आप हीरे की तरह लेंगे, अमूल्य निधि की तरह लेंगे, क्योंकि भगवान के पास नहीं है ना। आपका पेट गले तक भरा हुआ हो, ठीक है, कहां तक भरा है? और फिर कोई रसगुल्ला का थाल लेके आपके सामने आ जाए, यहां तक बिल्कुल भरा हुआ है, पानी की बूंद भी नहीं जा सकती है यहां तक। और कोई रसगुल्ला का थाल लेके आ जाए तो, और वहीं कहीं भिखारी कोई बैठा हो जिसने चार दिन से भोजन न किया हो, उसको सूखी रोटी जाकर के दो, मना करेगा? किसी धनवान को आप थाली ले जाकर दो खाओ भोजन, वो कहेगा मैं कोई भूखा हूं क्या, भिखारी हूं क्या, मुझे नहीं चाहिए तेरा भोजन, मेरे पास क्या कमी है। और वही भिखारी को दो तो सूखी रोटी दो, वो क्यों मना कर रहा है धनवान? क्योंकि उसके पास है, इसलिए उसकी कोई कदर नहीं है। और वो क्यों स्वीकार कर रहा? क्योंकि उसके पास नहीं है। भगवान के पास बाकी सब कुछ है, भगवान के पास मन नहीं है। तो भगवान को क्या देना चाहिए? कौन सा मन? निर्मल मन।